चलिए एक बढ़िया से क्विज़ की शुरुआत करते हैं। आपके लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद आपको आंसर बताया जाएगा, ठीक है। 1 मिनट विल बी अलॉटेड। उसके लिए नीचे स्टॉप वॉच है तो हम लोग वो टाइम लगाएंगे और उसके हिसाब से 1 मिनट के अंदर आपको आंसर देना है, नहीं तो मैं आंसर आपको दे दूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, टाइम शुरू करता है। जितना जल्दी हो सके आपको आंसर देना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ फोटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है आपको खाली, तो एक टेस्ट के जैसा होगा, ज़्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के जैसा। सोच समझ के लिखिए। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी आंसर लिख सकते हैं। समय ख़त्म होते ही आपको आंसर बताया जाएगा। तो इसमें ज़्यादा बातें नहीं होंगी, सिर्फ टेस्ट के जैसा क्विज रहेगा। ओके, तो टाइम इज अप। तो आंसर क्या है? सी इज द आंसर। They convert carbon dioxide and water into carbohydrates in the absence of sunlight. Absence of sunlight के नहीं, presence of sunlight के अंदर होता है, presence रहता है। Answer is C. चलिए next question, time शुरू कर रहा हूँ। अरे क्वेश्चन मस्त है ये। फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन इनटू आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को आपको ढूंढना है कि जो खाने को बाहर लेट्स से उसको ब्रेक करते हैं फिर एब्जॉर्ब करते हैं। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सोच समझ के बताइए एंड टेक योर टाइम, ठीक है। आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं। तो ये टेस्ट की जैसा क्विज़ है। ये हमारा क्विज़ मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि समथिंग लाइक जिसके अंदर बहुत ही ऐसा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत है। टेस्ट की जैसा समझ लो, जिस क्वेश्चन आ रहे हैं सामने आपको 1 मिनट दिया जा रहा है, सफिशिएंट टाइम टू रीड एंड आंसर द क्वेश्चन। योर टाइम इज़ अप। सो आंसर वुड बी बी। आपका इसमें कौन सा आंसर रहेगा? बी रहेगा। ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड, ये ऐसे लेट्स से ऑर्गेनिजम्स है कि जो खाने को बाहर ब्रेक करते हैं और फिर बाद में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है आपको खाली। आप आंसर लिख सकते हैं, आंसर बता सकते हैं तब तक। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो ये टेस्ट के जैसा आपको कंसिडर करना है, ये एग्ज़ाम लेट्स से ये पर्टिकुलर क्लास, ये वीडियो। आपका टाइम अप हो रहा है। तो आपका टाइम इज़ अप एंड ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा। हेटरोट्रॉप डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, खुद का खाना खुद नहीं बनाते, यही करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए वापस आपका शुरू हो चुका है टाइम। आपको करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल में। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल में आपको खाली आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा खाने का या फिर पार्ट्स का, एक के बाद एक कौन सा आता है। और वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाना है, ठीक है। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाना है। एंड इफ़ यू वांट कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, हम लोग डेली बेसिस पे भी ऐसे टेस्ट हम छोटे से शॉर्ट वाले आपके लिए अरेंज कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि भाई आपको ऐसे अगर क्विज चाहिए कि जिसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस हो रही हो टेस्ट बोल के, तो यू कैन ऑल्सो से दैट, हम लोग अरेंज करवा सकते हैं। टाइम इज अप। ओके चलिए, सो फोर्थ का आंसर क्या होगा? डी, माउथ, एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ टू एसोफेगस टू स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, यही सीक्वेंस होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, टाइम शुरू कर दिया मैंने। If salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected? अगर आपके सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेज ही नहीं है, एंजाइम नहीं है, तो क्या होगा? चलिए, सोच समझ के बताइए। योर टाइम इज रनिंग अप। तब तक वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा के रखना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको खाली इतना पता होना चाहिए कि सलाइवरी एमाइलेज करता क्या है। इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स। अगर आपके सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज नहीं है तो वही काम नहीं बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, ये नहीं हो पाएगा। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। चलिए, मैं टाइम पहले शुरू करता हूँ। इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेट की, स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन बचाता है? चलिए, क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आंसर देना है, एंड थोड़ा सोच समझ के, लाइक यू नो, टेस्ट के जैसा कंसिडर करो। क्वेश्चन आ रहा है, 1 मिनट है आपके पास, आपको सामने क्लॉक भी दिख रहा होगा, कैसे कैसे वो टाइम पीछे जा रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको क्वेश्चन का आंसर उतने ही टाइम में देना है। चलिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन बचाता है स्टमक को, जल्दी से बताइए। एंड इफ़ यू वांट वी कैन ब्रिंग सच काइंड ऑफ रेगुलर सेशंस जहाँ पे आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो रही हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि भाई आपको अगर ऐसे टाइप का प्रैक्टिस चाहिए क्विज के रिलेटेड कुछ, तो ज़रूर बताइए टेस्ट के फॉर्म में। आई विल ट्राई टू अरेंज इट। आपके पास काफ़ी समय कम है, 3, 2, 1 और ख़त्म हो रहा है आपका समय। ओके, तो समय खत्म हो चुका है आपका। सो इनर लाइनिंग से कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है अपने इनर लाइनिंग के प्रोटेक्शन स्टमक का हाइड्रोक्लोरिक से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम लीवर? ठीक है, तो लीवर से कौन से एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट को बाइल जूस मिलता है, जिसके अंदर बाइल सॉल्ट्स होती हैं? हाँ, तो लीवर से बाइल जूस ये किसको देता है, मतलब लाइक विच पार्ट रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एसोफेगस। वेरी सिंपल, मतलब एक्चुअली उसके लिए 1 मिनट काफ़ी ज़्यादा है। इफ़ यू नो, इफ़ यू आर रेड, तो डायरेक्टली आंसर आ जाता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं जाती। टाइम इज अप। आंसर क्या होगा? कौन रिसीव करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन है कि जो लीवर से बाइल जूस को रिसीव करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। योर टाइम हैज स्टार्टेड। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन वेर एडेड टू राइस वाटर। राइस वाटर के अंदर लेट्स से आपका डाला गया था क्या आयोडीन सोल्यूशन, तो वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। आपका आयोडीन सोल्यूशन कौन से कलर में कन्वर्ट हो गया? ब्लू ब्लैक में। क्वेश्चन ये है कि राइस के अंदर फिर ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से कलर चेंज आया? चलिए जल्दी बताइए, वेरी बेसिक क्वेश्चन कि आयोडीन सोल्यूशन का टेस्ट क्या होता है, कब कलर चेंज करता है टू ब्लू ब्लैक? योर टाइम इज़ रनिंग आउट। 19, 18, 17 आपके सामने क्लॉक है, उतने ही समय में आपको आंसर देना है। योर टाइम इज अप। ओके, सो आंसर क्या है? स्टार्च। स्टार्च राइस के पानी में होगा तभी जाके आयोडीन अपना कलर चेंज दिया होगा। आयोडीन तभी चेंज करता है ब्लू ब्लैक में जब उसको स्टार्च मिलता है। सो इट मस्ट बी हैविंग स्टार्च। आंसर इज स्टार्च इटसेल्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? फूड फाइनली कहाँ डाइजेस्ट होता है? स्टमक, माउथ कैविटी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। थोड़ा सोच समझ के, इसमें बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है। सो चूज वाइजली, चूज वाइजली, वेरी 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 वाइजली। ओके, सो योर टाइम इज रनिंग अप। 31, 30, 29, 28, 27, 26। उसके पहले आंसर देना है। टाइमर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, सो इट शुड नॉट बी वेरी हार्ड फॉर यू। आपको टाइम आप देख सकते हो, आराम से प्रॉपरली आंसर भी कर सकते हो। योर टाइम इज अप। तो आपका समय हो चुका है। सो कौन सा पार्ट को फाइनली डाइजेशन किधर हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मुझे पता है कुछ जनों को लार्ज इंटेस्टाइन लग रहा होगा, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ पानी का रीअब्जॉर्प्शन होता है, उसके अंदर कुछ डाइजेशन वगैरह होता नहीं है। सो डाइजेशन मेनली स्टॉप्स एट स्मॉल इंटेस्टाइन, डी वाला। चलिए टाइमर शुरू हो चुका है। चूज़ द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। पैनक्रियाटिक जूस का क्या काम है इसमें से? जो पैनक्रियाज की तरफ से मिलता है, हाँ, तो उनका काम क्या है? कुछ नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना है सिर्फ एंजाइम और वो किस चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं। अगर आपको इतना भी पता है, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सुपर सिंपल फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। एंड प्लीज़ माइंड द टाइम। टाइम कैसा है? आपके सामने है, टाइमर है। ये क्विज लेट्स से एक बहुत ही कंपटीशन कैसा चल रहा है, तो आराम से टाइम को देखते हुए आपको आंसर देना है, ठीक है? उतने ही टाइम है एंड सफिशिएंट टाइम इज़ गिवन। 1 मिनट सफिशिएंट है पूरा पढ़ के प्रॉपरली आप आंसर देने के लिए। वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाना है। योर टाइम इज़ रनिंग आउट। खत्म हो चुका है। ओके, सो व्हाट शुड बी द आंसर फॉर 10th? देखो क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है कि वो क्या डाइजेस्ट करता है, राइट? उसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन्स को। और लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है? फैट्स को। सो द आंसर वुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए टाइमर शुरू हो चुका है। जब When air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turned milky due to the presence of. तो lime water जो है वो milky कब turn हो जाता है, मतलब किस चीज़ की वजह से? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर। मतलब ये एक्चुअली बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। दिस इज़ नॉट इवन लेट्स से बहुत ही टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर नॉर्मल आपने पढ़ा हुआ लेसन नहीं है, लाइफ प्रोसेस, आ जाएगा आपको आंसर। बट जल्दी से आंसर दें क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। ओनली 1 मिनट टू आंसर एंड उसमें से सिर्फ 22 सेकेंड्स बचे हुए हैं। इट्स टाइम अप। कौन सा गैस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपका लाइम वाटर में मिल्की हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम शुरू हो चुका है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन रिएक्शंस इन ईस्ट। ईस्ट के अंदर का रिएक्शन आपको आइडेंटिफाई करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ईस्ट के अंदर का रिएक्शन खाली आपको आइडेंटिफाई करना है। सो दैट मीन्स लाइक ग्लूकोज टू पायरूवेट टू क्या बनाता है वो, और एंड किधर होता है, क्योंकि देखो ऑप्शंस काफ़ी कंफ्यूजिंग है। सेम है जैसे कि बी एंड सी सेम है, आप देख सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। ग्लूकोज पायरूवेट लैक्टिक, ग्लूकोज पायरूवेट लैक्टिक। वैसे ए एंड डी भी सेम है, ग्लूकोज पायरूवेट इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज पायरूवेट इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन वो कहाँ बदल रहे हैं, वो लेट्स से कहाँ हो रही है प्रोसेस, वो अलग अलग लिखे हुए हैं। साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म। थोड़ा सोच समझ के बताना है। ओके, योर टाइम इज अप। आंसर क्या होगा? डी। साइटोप्लाज्म से पायरूवेट बनता है और पायरूवेट इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट में हो जाता है साइटोप्लाज्म में, ईस्ट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम शुरू हो चुका है। थोड़ा सोच समझ के बताइए, गलती ना कीजिए। ओके, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं, ओनली 10 सेकेंड्स। ओके, सो द टाइम इज़ अप। आंसर क्या रहेगा 13 का? दैट वुड बी डी, ग्लूकोज पायरूवेट। देखो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरूवेट एनर्जी में, और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? CO2H2 एंड एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, सो आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पोल टाइम शुरू कर रहा हूँ। सोच समझ के देना है। ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है रेस्पिरेशन के बारे में। टाइम बहुत कम हो चुका, लाइक यू नो बचा है। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6। टाइम कम कम होते जा रहा है, सोच समझ के बताना। ओके, योर टाइम इज अप। सो आंसर वुड बी डी, दैट इज 2 and 4। क्यों? देखो, एल्वियोली एक्सचेंजेस गैसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम एल्वियोलर डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वियोलर एयर, बराबर है। एंड एल्वियोलर लेट्स से इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज। हेमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पे O2 चाहिए। एंड रिब्स मूव इनवर्ड इनहेलेशन के वक्त, आउटवर्ड जाता है, आउटवर्ड जाता है। सो आंसर इज गोइंग टू बी डी। चलिए 15th क्वेश्चन फिर से शुरू कर रहा हूँ। टाइम एकदम सोच समझ के बताइए, नो मिस्टेक्स एट ऑल। एंड यू हैव पूरा 1 मिनट है आपके पास, तो आराम से आप बता सकते हैं। which is the correct sequence of air passage during inhalation. Correct sequence बताना है खाली inhalation का, not much hard, seriously ज़्यादा hard नहीं है, आपको खाली sequence बताना है. 17 seconds, 16 seconds, 15, टाइम कम होते जा रहा है आपका. यस, योर टाइम इज अप. आंसर क्या रहेगा? डी. नॉस्ट्रल से फैरिंग्स से लैरिंग्स से ट्रैकिया टू एल्वियोली. नॉस्ट्रल्स, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड एल्वियोली. डी वुड बी द आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 16. टाइम शुरू हो चुका है तुम्हारा. रेस्पिरेशन के वक्त किसमें गैसेस एक्सचेंज होता है? Gaseous exchange of takes place in which is exactly the part in the, let's say, in the human body जहाँ पर आपका respiration exchange of gases होती है. चलो सोचिए थोड़ा सा और फिर बताना. 33 seconds. Trachea, larynx, alveoli of lungs, alveoli and throat, throat and larynx. And थोड़ा time पे ध्यान दीजिए. 1 मिनट के अंदर आपको आंसर देना है, ठीक है. वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाना है. एंड आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको किस प्रकार के टेस्ट या फिर क्विजेस चाहिए. आई कैन ब्रिंग दैट अप एंड वी कैन प्रैक्टिस इट अगेन. आप खाली बोलो, उस प्रकार के टेस्ट आएंगे, क्विजेस. चलिए टाइम तो खत्म हो चुका है इस क्वेश्चन का. आंसर क्या है? एल्वियोली ऑफ लंग्स, बी. एल्वियोली में होता है गैसेज एक्सचेंज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, सो 1 मिनट वुड बी सफिशिएंट टू रीड द क्वेश्चन एंड देन टू आंसर इट, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट हार्ट? हार्ट के बारे में पूछ रहे हैं, हार्ट के बारे के करेक्ट स्टेटमेंट. हार्ट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने. 29, 28, 27. समय ज़रूर देखिए, नीचे कॉर्नर में दिया हुआ है, सो यू कैन सी फॉर योर सेल्फ एंड उसके हिसाब से आंसर देना. एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना. एंड कमेंट सेक्शन में तुम लिखो कि तुमको किस प्रकार के और क्विज के प्रैक्टिस चाहिए. आई कैन ब्रिंग दैट अप, ठीक है. तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना ना भूलना किस प्रकार के आपको क्विजेस चाहिए. डेफिनेटली दैट विल बी ब्रॉट अप. ओके, योर टाइम इज अप. सो व्हाट शुड बी द आंसर? द आंसर इज सी, ठीक है. सी आंसर है उसका. देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स एंड द राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, सही है. एंड राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स ऑक्सीजनेट ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो द आंसर वुड बी 2 and 4. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम शुरू हो चुका है. व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग, लेट्स से, कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन के वक्त ऐसा हार्ट के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ होती है कि जिसकी वजह से ब्लड पीछे नहीं जाता, बैकफ्लो नहीं होता उसका? वॉल्स इन हार्ट, थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, थिन वॉल्स ऑफ एट्रिया, ऑल ऑफ द अबव. सोचिए, सोच सोच के सब, लेट्स से, थोड़ा दिमाग लगा के बताना है आपको. चलिए सोच समझ के बताना है आंसर आपको. 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. और इसी तरह के अगर आपको ऐसे चाहिए टेस्ट कि जिसके अंदर बहुत शांति बहुत हो, मैंने मतलब आई हैव ट्राइड लेट्स से मिनिमाइज बात करने का, ताकि आप सिर्फ क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करो और आंसर दो, समथिंग लाइक अ प्रैक्टिस. तो ऐसा अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखो, आई कैन ब्रिंग दीज काइंड ऑफ क्विजेस अगेन एंड अगेन. एकदम साइलेंट टाइप के, एकदम आराम से आपको करवाने हैं. ओके, सो व्हाट प्रिवेंट्स? दैट इज नथिंग बट वॉल्स इन द हार्ट. वॉल्स इन द हार्ट प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ द ब्लड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए आइडेंटिफाई करना है आपको ग्रुप ऐसा कि जिसके अंदर सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन हो, 1 साइकिल पास होती है, सिंगल सर्कुलेशन. ओके, तो इसी तरह के सपोज लेटर से टेस्ट टाइप ऑफ स्टॉप वॉच के साथ अगर आपको क्विज़ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, मैं बहुत सारे ऐसे क्विज़ लाऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। अलग अलग लेसन पे अलग अलग टाइम टेबल बनाया जा सकता है उसके ऊपर, लेकिन पहले आपको कमेंट सेक्शन में ऐसा लिखना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको किस प्रकार के क्विज़ चाहिए, इस प्रकार के चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए, ये टेस्ट चाहिए, ये MCQ के क्वेश्चन चाहिए, आप ऐसा बोलो, डेफिनेटली करवा के लेंगे। एंड टाइम टेबल भी करवा सकते हैं, मतलब आपको पता रहे कि भाई कौन से लेसन पे कौन से सब टॉपिक पे लेट्स से टेस्ट हो रही है, तो आप वो भी सपोज लेट्स से वी कैन थिंक ऑफ दैट एज वेल। लेकिन कमेंट सेक्शन में ऐसा लिखो टाइम टेबल, एंड ऐसा हम लोग वीडियो ज़रूर बना सकते हैं। ओके, तो आपका टाइम अप हो चुका है। अब इसके अंदर जो आपका आंसर है, देखो इसके अंदर आपको खाली इतना पूछ रहा है कि सिंगल सर्कुलेशन वगैरह या फिर किसके अंदर होता है, तो द आंसर इज दैट इज बी, हिपोकैम्पस, एक्सोटस एंड लेट्स से एनाबिस, तो दैट इज द आंसर। फिश है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप और ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डज नॉट पंप बोल रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाँ तो थोड़ा सोचिए फिर बताना है कि हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप नहीं करता है, ऐसा किस में हो सकता है। आपके सिर्फ 35 सेकेंड्स बचे हुए हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्विज का, तो थोड़ा सोच समझ के बिना गलती के बताना है। And we can bring these kinds of let's say quizzes अगर आप बोले तो hence वीडियो let's say कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि इस प्रकार के अगर आपको साइलेंट टाइप के टेस्ट वगैरह चाहिए, क्विजेस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, लेसन वाइज टॉपिक वाइज ज़रूर बोले, आई कैन ब्रिंग दैट अप। चलिए, आपका समय ख़त्म हो रहा है, योर टाइम इज़ अप। आंसर क्या है? Pisces only। आंसर क्या है? Pisces only। तो दैट्स योर आंसर, लेट्स से ऑप्शन नंबर डी। हम लोग अभी अगले वीडियो में मिलेंगे जिसके अंदर हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन तब तक इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है कि आपको इस प्रकार के वीडियोस अच्छे लगे क्या एंड इस प्रकार के और ऐसे वीडियोस आपको चाहिए क्या। सो डेफिनेटली लिखें ताकि आपको इस प्रकार के और प्रैक्टिस मैं करवा सकूँ। सो थैंक यू सो मच। चलो, इस प्रैक्टिकल के बाद थोड़े से मेन चीज़ें देख लेते हैं अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन, कि अनअकैडमी के जितने फीचर्स हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर के वो कैसे हैं, उनमें क्या क्या मिलता है एंड सब्सक्रिप्शन प्लान कितने का है, एवरीथिंग विल डिस्कस। तो देखो, यू कैन एस योर फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस। अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आएंगे, पास में ही होंगे, तो अनअकैडमी आपके लिए एकदम परफेक्ट है क्योंकि आपको कैसा, एक तो इसके ऊपर 10% फ्लैट सब्सक्रिप्शन चल रहा है, लेट्स से ऑफ चल रहा है, तो डिस्काउंट मिल जाता है 10% का। एंड अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एक ऐसी चीज़ है कि जहां पर आपको हर फीचर प्रॉपरली लेट्स से एक ही जगह पे मिल जाएगा, मतलब क्लासेस, प्रैक्टिस, टेस्ट, क्विजेस, एवरीथिंग एक ही जगह पे, एंड ऊपर से उसके ऊपर 10% डिस्काउंट चल रहा है। तो कुछ फीचर्स देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है एंड आई विल गिव यू द नेसेसरी डिटेल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेदर सच में आपको इसके लिए अप्लाई करना है, नहीं करना है, ऑल दोज थिंग्स। अभी व्हाट्स न्यू विद अनअकैडमी, ठीक है, तो एक जो नया फीचर हमने जो पिछले महीने लॉन्च किया है उसको बोलते हैं आस्क डाउट फीचर। काफ़ी बढ़िया फीचर है ये, और इस फीचर के बारे में जितना बताऊं उतना कम है बिकॉज ये आपके हर डाउट को सॉल्व करने की लेट्स से क्षमता रखता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ ऑल अबाउट, तो आस्क डाउट फीचर में आप क्या कर सकते हो, आपके जो डाउट्स हैं आप भेज सकते हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को और फिर वो उसको आंसर करेगा। तो आंसर कर भेजने का तरीका क्या है एंड आस्क करने का लेट्स से उसके फीचर्स क्या हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पूछना कैसे है आपको। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी डाउट है उसके लिए सबसे पहला अनअकैडमी का एप्लीकेशन खोलना है आपको। अनअकैडमी का एक बार एप्लीकेशन खोल दिया आपने, उसके अंदर आस्क डाउट एक ऐसा बटन है, ठीक है, तो आप आस्क डाउट पे बटन पे क्या करना है, आपको टैप करना है। एक बार टाइप कर लिया उसके बाद आप उसको क्वेश्चन भेजना है, ठीक है, वो आपको बोलेगा कि हाय सो एंड सो, जो भी आपका नाम है, गेट सॉल्यूशंस टू योर डाउट्स एंड सेंड अ पिक्चर ऑफ योर डाउट और वी विल फाइंड द सॉल्यूशन, ऐसा बोलेंगे। तो एक तो आप फोटो ले सकते हैं या फिर गैलरीज में चूज़ कर सकते हैं। फोटो मतलब आपके कैमरे के थ्रू, गैलरी मतलब आपके जो मोबाइल में स्टोर्ड फोटोज़ होते हैं ना, गैलरी होती है, तो उसके अंदर का फोटो भी आप भेज सकते हैं। तो यू कैन सेलेक्ट टेक अ पिक्चर और चूज़ फ्रॉम गैलरी। एक बार फ़ोटो ले लिया हमने, आप क्लिक कर लो या फिर सेलेक्ट कर लो आपके फ़ोटो को, मतलब जिसके अंदर आपका वो पिक्चर, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन है, डाउट है, उसको सेलेक्ट कर लो या फिर क्लिक कर लो। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है इसके बाद, एंड दैट इज़ कि यू जस्ट हैव टू क्रॉप दी क्वेश्चन। आपका जो भी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको डाउट है उसको क्या करना है, आपको क्रॉप कर लेना। क्रॉप करने के बाद आप सपोज लेट अस से उसको सेंड कर दें। सेंड करने के बाद वो आपको पूछेगा कि सपोज लेट अस से विच सब्जेक्ट इज़ दिस, कौन से सब्जेक्ट का है, तो अपना नेसेसरी सब्जेक्ट चूज़ करें। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो भी है आपका सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें लिस्ट आएगा, तो आप उसको चूज़ करें। एक बार आपने वो चूज़ कर लिया तो वो क्या करेगा, सिस्टम बोलेगा कि आई एम लुकिंग फॉर द सोल्यूशन, एंड इमीडिएटली अगर उसको मिलता है वो बोलेगा आई हैव अ सोल्यूशन। तो ये 3 to 4 सेकेंड्स में आपको आंसर दे देगा, मतलब विदिन 3 to 4 सेकेंड्स। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 3 to 4 सेकेंड्स के अंदर उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाता है। तो ये डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें, ठीक है। कितना ग्रेट है, आपको क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं डायरेक्टली आपको मिल जाते हैं आस्क इट आउट फीचर में। तो मैं इसके फीचर्स बता देता हूँ क्या है। सबसे पहला, आपको कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब देयर इज़ नो लिमिट एज सच कि आप कितने क्वेश्चंस पूछोगे, कितने भी अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, आस्क डाउट एट एनी टाइम, आप कोई भी टाइम के ऊपर इसको पूछ सकते हैं डाउट। 24/7 ये सिस्टम अवेलेबल है, तो आप कभी भी इस डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़, आपके इसके लिए आपका जो एक लेट्स से जो सोल्यूशन है वो आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इसका मिलता है। हाई क्वालिटी मतलब एक तो आपको इंग्लिश में भी मिलता है, हिंदी में भी मिलता है, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट थिंग इज़, यू रिसीव एग्जैक्ट मैचेस फॉर द क्वेश्चंस, मतलब ऐसा नहीं होगा, मान लो आपने लिखा हुआ है, सपोज आपका डाउट है व्हाट इज़ सपोज लेट्स से कोवलेंट बॉन्ड, और वो आपको आंसर दे रहा है आयोनिक बॉन्ड का, ऐसा नहीं होगा। तो आपने जो क्वेश्चन भेजा है उसी का एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा, एग्जैक्ट, वेरी मच एग्जैक्ट आंसर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस टू लैक्स ऑफ क्वेश्चंस, तो ये जो डेटाबेस है हमारा काफ़ी बड़ा है, एंड सभी लैक्स ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, तो आप खाली भेज दो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। गेट असिस्टेंस विथ होमवर्क, आपको होमवर्क के साथ असिस्टेंस मिल जाता है इसकी वजह से, मतलब आपका अगर सपोज मान लो कोई स्टडी में आपको कोई डाउट आता है और आपको होमवर्क करना है, तो होमवर्क में काफ़ी मदद हो सकती है। जो भी आपके डाउट्स हैं डायरेक्टली बस प्लेटफॉर्म पे सेंड कर दो और फिर प्लेटफॉर्म आपको मदद कर देगा इन योर होमवर्क ऑल्सो। तो ये सिस्टम 24/7 अवेलेबल है, अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट मैचेस मिलेंगे, हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस, एंड डेटाबेस काफ़ी बड़ा है, लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। सो डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें और अपने डाउट्स को पाइल अप ना होने दे और उसको सपोज लेट अस से मतलब यू नो सॉल्व कर ले, रिजॉल्व कर ले। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है उसके फीचर्स क्या हैं वो बता दूँ। सबसे पहला, यू लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। एक तो सबसे पहला आप घर बैठे पढ़ सकते हो, मतलब आपको किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपने लगा दिया तो आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको घर बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा। सेकंड फीचर इज़ अनलिमिटेड एक्सेस टू लेट्स से ऑल द कोर्सेस। सभी जितने कोर्सेस हैं सबको आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई भी कोर्स आपको सबको लेटेस्ट से अनलिमिटेड एक्सेस उसका मिल जाता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, हर एक चीज़ का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया दैट्स ए ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सपोज लेट अस से टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया सभी टीचर्स आपको पढ़ा देंगे, मतलब एक तो अनलिमिटेड एक्सेस है, ऐसा नहीं है कि भाई आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सभी बैचेस का आपको एक्सेस मिल जाता है। नेक्स्ट इज़ अबाउट टॉप एजुकेटर्स, तो टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया विल बी टीचिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो जितने इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं प्रॉपरली यही पढ़ा रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं है फिर, मतलब आप जो पढ़ोगे जिससे पढ़ोगे वो प्रॉपर टीचर से पढ़ोगे। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको डाउट क्लियरेंस का, मतलब आस्क इट आउट फीचर तो है ही है, लेकिन हमारे इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, मतलब एवरी 4th पीरियड इज़ अ डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट आंसर राइटिंग सेशंस। तो आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन शुड बी डन, सब कुछ वो भी बताया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज हम लोग करते हैं, मतलब इसके अंदर पूरा डिटेल में सब कुछ एकदम करेक्ट प्रॉपर सब कुछ कंप्लीट किया जाता है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक टॉप टू बॉटम हर एक पॉइंट ठीक से कवर किया जाता है, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस। मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी होती है, तो आपको गाइड किया जाएगा सपोज लेट से कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एवरीथिंग। आपका जो स्टडी मटेरियल है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, लेक्चर्स का जो भी टीचर्स लेंगे एजुकेटर्स उनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बाद में है प्रैक्टिस टेस्ट, मतलब आपने जो पढ़ा है उसका सच में आपको कितना एसिमुलेट हुआ है वो चेक करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी होते हैं। उसके बाद वी हैव लाइव टेस्ट सीरीज़, लाइव टेस्ट सीरीज भी होती है, मतलब जिसके अंदर एकदम लाइव आपका टेस्ट लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट बैच कोर्सेज। बैच कोर्सेज भी चलती हैं, मतलब कैसा है कि स्कूल में कैसे रहते हैं सभी बैच में बैठते हैं, सपोज एक ही क्लास में रहते हैं, वैसे ही कुछ बैच कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। नाउ विथ ऑल ऑफ दीज कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, जैसे कि डेली प्रैक्टिस सेक्शन होता है, बाद में वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ भी होती है, मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन तो वो तो रोज़ के रोज़ होते ही होते हैं। देन वी हैव वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ ऑल्सो, देन वी हैव लाइव क्विजेस होते हैं, मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन में कैसा है कि डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ तो आते रहता है। वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ मतलब हफ्ते में एक बार एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट होती है, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो जाता है। फिर बाद में है लाइव क्विजेस, तो आपको MCQ बेस्ड लाइव क्विजेस होते हैं। इसका क्या फ़ायदा है, 5 सब्जेक्ट के लिए होता है ये, दैट इज़ साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। एंड इसके अंदर कैसा है कि ऑल इंडिया लेवल पे ये रोज़ क्विज़ होते रहता है, तो आपका कैसा है, एक तो कंपटीशन आपको समझ में आती है बाकी के बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग यू विल अंडरस्टैंड इज, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है आपसे, तो आप उसको ये भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बाद में एक डिटेल्ड सोल्यूशन भी दिया जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गलती कहाँ है। ये रोज़ ऐसे बहुत सारे क्विज होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम रिक्वायरमेंट वहाँ पर सब टॉपिक वगैरह सब लिखा होता है, अगर किसी टाइम पर आप फ्री हो तो प्रैक्टिस आप कर सकते हो इन क्विजेस में से। नेक्स्ट थिंग इज डेली MCQ एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़। डेली बेसिस पे MCQ का टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ ये होता है, आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं और अपना जो रिजल्ट है वो और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये प्लस सब्सक्रिप्शन कितने प्राइस का होता है, तो देखो मतलब इसका प्लान कैसा है, कितने रुपए का रहता है वगैरह वगैरह, सो लेट अस डिस्कस दैट। तो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, पहली चीज़ हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस एंड आइकॉनिक। अभी आप देख सकते हैं, मान लो अभी आप 9th में हो, तो 9th 10th 11th 12th के लिए एक स्पेशल फीचर चल रहा है, 12 महीने का जो पैकेज है आपका वो मिलता है अराउंड लाइक 15,000 रुपये में, एक महीने का मिलता है 3,000 रुपये का। तो देखो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर हायर प्लान। देखो अभी एक महीना कितने को गिर रहा है, 3,000 रुपये को, 12 महीने के हिसाब से कितना होना चाहिए, 12 महीने के हिसाब से होना चाहिए 000, 12×3 = 36, मतलब 36,000 होना चाहिए पूरे साल का, लेकिन 12 महीने मतलब एक साल का फीस कितना बोला है 15,000, देखो आधे से भी कम होता है, मतलब एक महीने से एक्चुअली आपको अफोर्डेबल प्लान्स नहीं है एक महीने वाले, उससे अच्छा है कि आप 12 महीने के लिए चले जाओ, 15,000 में ही आपको पूरा साल भर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि भाई अनअकैडमी अच्छा है, मतलब सपोज लेट से आपके 11th 12th के लिए भी काम में आएगा, तो आप 12 महीने का, 18 महीने का, 24 महीने का भी, 36 या फिर 48 आप वैसा भी ले सकते हैं, 4 साल का एंटायर पैकेज 48 मंथ्स का 40,000 में आप वैसा भी कर सकते हैं। या आपके ऊपर है कि सपोज इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप कैसा लगाना चाहते हो, बट मिनिमम 12 के लिए जाओ, ताकि आपका मतलब यू नो साल भर टेंशन ही रहेगा फिर आपको। सेम गोज़ फॉर 10th 11th 12th, अगर आप 10वीं में हैं तो उन आपके लिए वैसे ही पैकेजेस हैं, सेम आप आपके हिसाब से लगा सकते हो। एंड मोर ओवर ये जितने मैंने प्राइसेस बोले इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट के लिए क्या करना है, तो आपको यूज़ करना है द कोड AS LIVE 10, मतलब अजिंक्य सोलुंके LIVE 10। इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितना ऑफ मिल जाता है, 10% का ऑफ मिल जाता है। देखिए कितना बढ़िया है। तो ऐसा आपको कहाँ मिलेगा, सही है, मतलब इतने सारे फीचर्स ये जो बोले, प्लस मतलब इतने फीचर्स, वो भी कम दाम में, वो भी 10% डिस्काउंट के साथ। नो प्लेटफॉर्म इज़ ऑफरिंग, तो ये प्लेटफॉर्म का बहुत ही लेट्स से यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। 15,000 में इतना अगर सब कुछ मिल रहा है फैसिलिटीज़, आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील, यू शुड गो फॉर इट। अब नेक्स्ट थिंग है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज़ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक प्लस का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, आप ऐसा पकड़ के चल सकते हो, दिस इज़ एडवांस्ड वर्जन ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। अब आइकॉनिक में क्या होता है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग। तो हम लोग कैसा है, ज़्यादा हैंड्स ऑन लर्निंग पे इस पे फोकस रहेगा आइकॉनिक में। वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट अ 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू नीड। तो आपको 360 डिग्री सपोर्ट है ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, मतलब क्या है 360 डिग्री सपोर्ट है, मतलब हर चीज़ में आपको सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहला है पर्सनल मेंटर, लाइक यू कैन गेट 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स फॉर ऑल योर कंसर्न्स। टॉप एजुकेटर से 1-on-1 गाइडेंस आपको मिलता है, पर्सनल मेंटर रहता है आपका, मतलब पर्सनली आपके लिए स्पेशली एक मेंटर असाइन किया जाता है कि जो आपको गाइड करेगा। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सॉल्विंग, अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। आपके जो भी डाउट्स हैं तो उसमें लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, जैसे कि सामने सामने, मतलब तुम पूछोगे क्लास के जैसे, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जैसी होती हैं वैसे ही आप लाइव डाउट सॉल्विंग होगा, आप पूछना उसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट वीकली रिपोर्ट। वीकली रिपोर्ट मतलब ये सभी आइकॉनिक के फीचर्स हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया मेंटर का, सेकंड हो गया लाइव डाउट सॉल्विंग, थर्ड देख रहे हैं अभी, थर्ड है वीकली रिपोर्ट्स, मतलब यहाँ पर हफ्ते के कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आएंगे। तो गेट डिटेल रिपोर्ट ऑफ क्लासेस अटेंडेड एंड परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजेस, आपने कौन सी क्लासेस अटेंड की, आपका परफॉर्मेंस कैसा है टेस्ट में, क्विजेस में, वो भी आपको कहाँ मिलेगा, थर्ड सपोलेट से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। फोर्थ इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, तो देर आर रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। ये जो आपको पर्सनल मेंटर असाइन हुआ है उससे आपके पेरेंट डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, किस तरह की पढ़ाई हो रही है, वो दैट ऑल्सो कैन बी डिस्कस्ड। लेटर ऑन स्टडी प्लान, स्टडी प्लानर भी आपको मिल जाता है, ये फिफ्थ फीचर है। स्टडी ट्रैकर प्लान एंड लेट्स से रिव्यू दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस, तो ये ऐसी क्या है चीज़ है कि जो आपके रिव्यू को क्या करती है, आपके जो पढ़ाई है उसको क्या करती है, हाईलाइट करती है, आपका प्रोग्रेस कैसे, पढ़ाई कैसे चल रही है वगैरह वगैरह। सो स्टडी प्लानर इज़ फॉर दैट। नेक्स्ट थिंग इज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, दैट इज लाइव क्लासेज फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, मॉक टेस्ट सीरीज एंड देन द क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड बैच कोर्सेज एज पर द एग्जाम सिलेबस। तो आपको प्लस के तो सभी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा ये भी आपको क्या मिलेंगे, सपोलेट से एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। हाँ, तो इसका रेट्स देख लेते हैं कितने का है, प्राइस कैसा है, क्या है। तो देखो जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस है अराउंड 28,000 है 12 महीने का। मानता हूँ कि सपोलेट से इसके ऊपर अवेलेबल है क्या डिस्काउंट, यस, तो आप AS Live 10 को इस्तेमाल कर सकते हैं, AS Live 10, एंड आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन 28,000। लेकिन फिर प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है, प्लस सपोज प्लस की 15,000 है, आइकॉनिक की 28,000 है, ऑलमोस्ट डबल है। ओके, तो ऐसा क्या है, तो आइकॉनिक में मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, आइकॉनिक में प्लस के फीचर तो सभी मिल ही रहे हैं, बट दीज एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं, 360 डिग्री सपोर्ट जो हम लोग जिसको बोलते हैं 360 डिग्री सपोर्ट, तो ये आपको मिलेगा सिर्फ आइकॉनिक में। अब आइकॉनिक के लिए आपको थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, तो इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप दोनों में से एक को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 15,000 में, देखो टीचिंग तो दोनों तरफ है, अगर आपको 15,000 ही सपोलेट यू कैन अफोर्ड, तो यू 15,000 के लिए चाहिए। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम फैसिलिटीज़ चाहिए जैसे ये है, तो यू कैन गो फॉर 28,000, आपके ऊपर है। इट्स नॉट कंपलसरी कि भाई आइकॉनिक ही लेना है फिर प्लस ही लेना है, दोनों में से जो भी आपसे बन पड़ता है यू कैन टेक इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक कैपेसिटी। अभी उसके ऊपर दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट है, तो जब आप अप्लाई करें तो नीचे एक बटन होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, तो वहाँ पे आप लिखना है AS Live 10, ASLIVE 10, तो अजिंक्य सोलुंके LIVE 10 अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इस चीज़ का यूज़ करें, राइट। अभी विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट मी गिव यू सम आइडिया अबाउट दी जो न्यू बैचेस शुरू हुई हैं, ठीक है, जो कुछ नए बैचेस शुरू हुई हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तुमको दे देता हूँ। ओके, सो जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर। ओके, सो ये रही बैचेस, एक मैं वीडियो को साइड में करता हूँ। देखो हाँ, तो ये नई फुल बैच, एक मास्टर बैच शुरू हुई है पूरे सिलेबस के लिए, एंटायर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सो मेरी जो बैच फिलहाल चल रही है वो साइंस की बैच है, शाम को 5 to 6 बजे, ठीक है, 5 से लेकर 6 बजे तक शाम के ये क्लास चलेगी कि जो जिसके अंदर फुल सिलेबस कवर किया जाएगा साइंस का, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो एंड PYQ एंड सैम्पल पेपर बैच भी एक चल रहा है, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं साइंस ले रहा हूँ, तो आप साइंस के बैच को आप अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर PYQs एंड सैम्पल पेपर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट पावर पैक बैच। ओके, तो पावर पैक बैच में सबको लेटेस्ट से इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो पावर पैक बैच में आई एम कंप्लीटिंग पर्सनली केमिस्ट्री एंड सबको लेट से बायो, सबको लेट से जो फिजिक्स पार्ट है, तो फिजिक्स पार्ट सबको लेट से मैं ले रहा हूँ। लेकिन जो हमारी मास्टर बैच है, मास्टर बैच में कंप्लीट सिलेबस बैच, उसके अंदर साइंस कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर फिजिक्स भी दूसरे बैच में चल रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग आप इसमें से कोई भी प्लस कोर्सेस हैं ये, तो प्लस बैच में आप कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ द कोड AS Live 10। नाउ बिफोर आई एंड अप माई सेशन, सपोज लेट्स से डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिल सकें, ठीक है। तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना है, एंड आपको सभी जितने प्रैक्टिकल सेशंस हैं आई विल टीच अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।